हेलो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि डीएड का काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिल करते हैं। उसके लिए आप मोबाइल और डेस्कटॉप से दोनों से आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पास गूगल क्रोम खोल लेते हैं और यहाँ पास SCERT CG इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पास फर्स्ट वाले वेबसाइट में क्लिक करेंगे, फर्स्ट नंबर लिंक में क्लिक करेंगे और जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पास देखेंगे बीएड एंड डीएड ऑनलाइन काउंसलिंग लिखा हुआ है। बीएड एंड डीएड ऑनलाइन काउंसलिंग में सेकंड नंबर ऑप्शन डीएड का है। डीएड की सूचनाओं को पढ़ने के लिए ऊपर में ऑप्शन दिए गए हैं। महाविद्यालय की जानकारी लेना है तो सूची देख सकते हैं और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन काउंसलिंग लिंक, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ इसमें लास्ट में थर्ड नंबर में ऑप्शन है डीएड का, क्लिक टू अप्लाई इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, फर्स्ट टाइम है तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नियम एवं शर्तें लिखा गया है, उसको पढ़ लेंगे। फिर आई एग्री में क्लिक करेंगे, यहाँ टिक करेंगे और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू इसमें क्लिक करेंगे। छत्तीसगढ़ का निवासी है तो यहाँ छत्तीसगढ़ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पास मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे। तो चलिए यहाँ पास मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, उसके बाद गेट ओटीपी करेंगे। तो यहाँ पास जो है ओटीपी डालने का ऑप्शन, ओटीपी डाल के सबमिट में क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पास आपको एग्ज़ाम नेम यहाँ पर डीएड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास रोल नंबर डालना है, जब आपने डीएड का एग्ज़ाम दिलाया था उस टाइम का रोल नंबर आपको डाल लेना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक रहेगा और पासवर्ड बना लेना है। तो चलिए इस प्रकार से हम कर लेते हैं। उसके बाद सबमिट में क्लिक कर लेंगे। सबमिट में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ऊपर में आएगा, ओके कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डीएड का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पास क्लिक हियर टू लॉगिन इसमें क्लिक कर लेंगे और यहाँ पास उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे और पासवर्ड जो बनाए थे उस पासवर्ड को डालेंगे और यहाँ पर राइट साइड में जो कैप्चर डाला है इसको डालेंगे। उसके बाद लॉगिन में क्लिक कर लेंगे। जैसे लॉगिन होगा यहाँ पास नियम एवं शर्तें आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पास इसको पढ़ लेंगे, पूरा हिंदी में है। उसके बाद नीचे आई एक्सेप्ट में क्लिक कर लेंगे। इसमें जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पास ऊपर में देखेंगे चार स्टेप आपको देखने मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों स्टेप आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आप पास नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिल रहेगा। यहाँ पास आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी हैं। उसके बाद यहाँ पास कैटेगरी डालेंगे ST SC OBC जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पास क्लास डालना है, क्लास के लिए आप पास डिफरेंटली एबल एंड फ्रीडम फाइटर जो भी हैं डालेंगे, नहीं है तो इसमें स्टार मार्किंग नहीं है, इसको एन ए में करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पास मदर नेम डालना है, माता का नाम। उसके बाद आगे देखेंगे फादर नेम एंड मोबाइल नंबर, यहाँ पास ऑटोमेटिक फिल दिखेगा आपको। उसके बाद यहाँ पास ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं, पहले जो ईमेल आईडी है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ पहले से रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पास आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है, वर्तमान पता जो अभी आप जहाँ पास हैं उसका एड्रेस डालेंगे, विलेज डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, यहाँ पास स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट जो भी हैं छत्तीसगढ़ यहाँ पास हैं तो छत्तीसगढ़ का स्टेट यहाँ पास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पास डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ज़िले से हैं, उसको यहाँ पास से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पास पिन कोड डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पास से पूरा फिल कर लेता हूँ इस प्रकार से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पास क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पास ओके में क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर सेकंड स्टेप आ गए हैं डीएड का है। उसके बाद यहाँ पास स्ट्रीम टाइप, इसमें आप साइंस अदर साइंस, तो आप अगर साइंस लेके पढ़े हैं तो साइंस डालेंगे, या फिर आप बीए आप बीकॉम लिए हैं तो बीए उसको डालेंगे अदर में। उसके बाद यहाँ पास रोल नंबर जो है बीएड का रहेगा। उसके बाद यहाँ पास आपका डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने 12th पास किए हैं उसको यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पास ऑप्टेन मार्क ये जो पहले से डला है ये पहले से रहेगा। उसके बाद यहाँ पास 12th का डिटेल डालेंगे, 12th क्लास आपने कौन से बोर्ड से हैं, तो यहाँ पास बोर्ड का नाम डालेंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आप डाल देंगे, या फिर जो अदर स्टेट से आप पढ़ाई किए हैं तो आप इसको डालेंगे। उसके बाद यहाँ पास रोल नंबर डालेंगे, 12th का रोल नंबर डालेंगे, 12th के यहाँ पास से बात चल रहे हैं तो यहाँ पास 12th डालेंगे। उसके बाद यहाँ पास किस ईयर में आपने पास किया है 12th उसको डालेंगे, टोटल मार्क डालेंगे कितना मार्क था और कितने आपने प्राप्त किए थे। उसके बाद यहाँ पास परसेंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, परसेंट इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पास देखेंगे आपका जो फ़ोटो है एंड सिग्नेचर है पहले से डला रहेगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, अगर आप नहीं डाला है तो ऑप्शन देगा तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पास पेमेंट का तीन गेटवे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो आप तीनों में से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर बेस्ट ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर में क्लिक करेंगे, यहाँ पास आप डालेंगे या कैप्चा, नीचे में जो कैप्चा है उसको आप फिल कर लेंगे। उसके बाद मैक पेमेंट में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पास प्रोसेस ओके करेंगे।
यहाँ पर ऑप्शन आपको 5-6 नंबर ऑप्शन मिलेगा, उसमें UPI थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है। इसमें आप UPI से बेस्ट ऑप्शन है, UPI को QR कोड निकालेंगे और QR कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन बेस्ट है यहाँ पास डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, तो इसको डाल लेंगे। यहाँ पास 300 रुपये पेमेंट का है, तो आप 300 रुपये पेमेंट कर लेंगे, GST नहीं है। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद इस प्रकार से आएगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, यहाँ पास ट्रांजेक्शन ID भी दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पास गो टू एप्लीकेशन, इसमें क्लिक कर लेंगे। इसमें जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पास एप्लीकेशन फॉर्म का आएगा, यहाँ पास आपको प्रेफरेंस ब्रांच कॉलेज कॉलेज टाइप एक्शन, तो इसमें आपको डालना फिल करना है। सबसे पहले प्रेफरेंस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज का ही डालना है, तो ब्रांच सबसे पहले से सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्रांच में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास दो ऑप्शन मिलेगा DEd एंड BEd का, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पास कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पास थर्ड नंबर ऑप्शन है कॉलेज का, तो कॉलेज में आप कॉलेज जो भी कॉलेज डालना चाहते हैं उसको डालेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पास फर्स्ट नंबर में गवर्नमेंट कॉलेज ही डालना है। अब अगर बेस्ट रैंकिंग में है, बेस्ट नंबर में है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को ही सिलेक्ट करेंगे। तो आप इसमें से देख लेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास देखेंगे कॉलेज टाइप में गवर्नमेंट लिखा रहेगा। प्राइवेट कॉलेज सिलेक्ट करने पर यहाँ पास प्राइवेट लिखा रहेगा। उसके बाद एक्शन में देखेंगे यहाँ पास कट का है, यहाँ पास ऊपर नीचे का ऑप्शन है, जो रैंकिंग का यहाँ पास से आप प्रेफरेंस का ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ पास नीचे एंड ऊपर दोनों आगे पीछे कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन में फिर से सेम प्रोसेस से फिल कर लेंगे। ऐसे आपको 10 ऑप्शन देखने को मिलेगा, नीचे में आएंगे तो देखेंगे 10 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा फिल हो जाने के बाद आपको और ऐड करना है, तो यहाँ पास ऐड न्यू रो इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो नया रो फिर से आ जाएगा, तो आप और एक्स्ट्रा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास डिक्लेरेशन आप पढ़ लेंगे, उसके बाद ही यहाँ पास से आप आगे बढ़ेंगे। तो डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद आई एग्री में क्लिक करेंगे और सबमिट में क्लिक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर आई एग्री में पहले क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद सबमिट में क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इस प्रकार से आपको डू यू प्रोसेस, इसमें आपको ओके कर लेना है। ओके जैसे करेंगे यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा नीचे में प्रिंट एप्लीकेशन एंड गो टू डैशबोर्ड, तो आप प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है। तो इस प्रकार से DEd का फॉर्म फिल किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।